हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट थे कि मैम, हम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दें, लेकिन हमें जो सिलेबस है उससे रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इसके बारे में ही नहीं पता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में होने वाला है, उसका जो कंप्लीट सिलेबस है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में मैंने बताया है, जो भी थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स हैं या फिर जो क्वेश्चन के लिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में बताया गया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में आपको पता चल सके। जो भी इंपॉर्टेंट सिलेबस है उससे रिलेटेड जो, चाहे बायोलॉजी सब्जेक्ट की बुक्स हों, चाहे फिजिक्स सब्जेक्ट की बुक हों या फिर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बुक हो, उनको हम एक एक करके डिस्कस करें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, उनमें क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, क्लास 11th और क्लास 12th बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट इन बुक्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसमें जो सबसे पहले ये जो है वो क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें आपको जो भी क्लास 11th बायोलॉजी का जो भी सिलेबस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आप थ्योरी जो है इससे अच्छी आपको कोई और बुक में नहीं मिलेगी। आप इस बुक से जो भी अपनी एग्जाम के जो भी इंपॉर्टेंट सिलेबस है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको इस बुक से रीड कर सकते हैं, अपने नोट्स जो हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 11th के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि जो क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी का जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको आप बायोलॉजी एनसीईआरटी जो क्लास 12th की बुक है उससे कंप्लीट करें। ये बुक जो है इसमें जो थ्योरी है, जो क्लास 12th के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको एम्स बीएससी नर्सिंग जो एग्ज़ाम है उसमें मेनली पूछे जाते हैं, तो वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। आप थ्योरी इसमें से पढ़ सकते हो, जो भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप इस बुक से जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनको भी प्रिपेयर कर सकते हो। अब थ्योरी के बाद जो बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा डाउट रहता है कि मैम, थ्योरी तो हम बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक से कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कौन सी बुक से करेंगे। तो अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो बुक है एक एनसीईआरटी फिंगर टिप करके एक बुक आती है, जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो दिए जाते हैं। इसमें लगभग 1000+ क्वेश्चंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप इस बुक से जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। बायोलॉजी सब्जेक्ट के बाद अब हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिसमें क्लास 11th की भी बुक्स हैं और क्लास 12th की भी बुक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 11th के लिए जो आपको बुक परचेस करनी है, जिसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो क्लास 11th एनसीईआरटी की बुक से पूछे जाते हैं वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ये केमिस्ट्री क्लास 11th क्लास की बुक है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें जो भी क्लास 11th के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। आप इस बुक से जो थ्योरी है उसको पढ़ सकते हो। अगर आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करना चाहते हो तो इस बुक से आप अपने जो भी नोट्स हैं केमिस्ट्री के उनको भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकेंड जो है वो ये है, जिसमें मेनली जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं, मतलब ये थ्योरी की बुक है। ठीक है, इसमें क्लास 11th एक जो हमने अभी डिस्कस किया वो पार्ट फर्स्ट था, ये पार्ट सेकेंड है, जिसमें मेनली जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी वगैरह दी गई है आप इन बुक्स को पढ़ सकते हो और इसमें से जो भी नोट्स हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के उनको प्रिपेयर कर सकते हो। अब वही बात है कि जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट की जो थ्योरी है उनको तो हम इस बुक से प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको किससे करें, तो उसके लिए जो केमिस्ट्री के अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो एनसीईआरटी फिंगर टिप करके ही बुक आती है, जिसको आप परचेस कीजिए और केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स हैं जो आपको एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जो सिलेबस है उसको कवर करते हैं, तो वो सभी चैप्टर्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो उन सभी चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप इस बुक से जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे डायरेक्शन में कंप्लीट हो। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जो भी क्लास 11th की इंपॉर्टेंट बुक्स थी हमने उनको डिस्कस किया, जिसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड है। इसी तरीके से क्लास 12th जो केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं जिनको आप परचेस कर सकते हो। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी 10 चैप्टर्स मैंने आपको बताए थे कि 10 चैप्टर्स जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वो जो 10 चैप्टर्स हैं वो क्लास 11th के भी उसमें कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ क्लास 12th के चैप्टर्स हैं। ठीक है,
तो आप क्या कीजिए कि जो क्लास 11th और क्लास 12th के जो फिजिक्स सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके लिए आपको फिजिक्स सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी की बुक है वो आपको मार्केट से परचेस करनी पड़ेगी। अगर आप मतलब जो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी से अपने नोट्स नहीं प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप जो फिजिक्स सब्जेक्ट के जो भी नीट के लिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं उसमें क्या होता है कि जो थ्योरी है वो भी दी जाती है, ठीक है। तो आप ऐसी बुक्स को परचेस कर सकते हो जिसमें थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों दिए जा रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स सब्जेक्ट की अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आप जो ये बुक परचेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी से जो फिजिक्स की थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो तो आप जो फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी फिंगर टिप की बुक आती है आप इसको परचेस कर सकते हो। इसको परचेस करने में आपको दो फायदे हैं। सबसे पहले जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अब अगर आप एनसीईआरटी की बुक को नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि क्या होता है कि एनसीईआरटी की बुक स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में नहीं आती, उसमें टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा टफ दिए गए हैं, तो आप इस जो फिजिक्स एनसीईआरटी की जो फिंगर टिप है आप इसको खरीद सकते हो। इससे आपकी जो थ्योरी है जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह है वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे, साथ ही साथ जो क्वेश्चन हैं वो भी मिल जाएंगे। तो आप फिजिक्स सब्जेक्ट की थ्योरी प्लस जो एमसीक्यूज वगैरह हैं उनको इस बुक से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इन बुक्स के अलावा एक गुट्टू गाइड करके एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए एक बुक आती है जिसमें एक सिंगल बुक आती है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो दिए गए हैं, उनकी थ्योरी भी दी गई है और साथ ही साथ शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी अवेलेबल होती है और क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। उसमें साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।